हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 21 जनवरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल सरकार ने भारत की सीमा से सटे दक्षिण पूर्वी प्रांत 2 का नाम मध्य प्रदेश घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने मनोज पांडे को भारत का अगला उपसेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा माना उरु माना वाड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किस राज्य के पेस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हो गया है? मध्य प्रदेश राज्य। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित की है? हरियाणा सरकार ने। किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीत लिया है? साइलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ऊंटों के लिए दुनिया का पहला होटल सऊदी अरब में बनाया गया है। किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। डेनिस अलीपॉव को किस देश में रूस का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? भारत में। आगे डिस्कस करेंगे। हर साल 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई बिग वेस्ट लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं उन्मुख चंद। किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की है? नई दिल्ली। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर आपको डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश की सरकार ने HAL के साथ ALH-M के थर्ड हेलीकॉप्टरों के खरीद के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉरिशस। पिक में आप लोग हेलीकॉप्टर देख सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। मॉरिशस की सरकार इस हेलीकॉप्टर को अपने देश की पुलिस के इस्तेमाल के लिए खरीद रही है। आपको बता दें कि ALH-M के थर्ड को भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में। सबसे पहले जानेंगे आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का है। मल्टी रोल MS-60R हेलीकॉप्टर भी अमेरिका का है। MiG-29 क्या है? तो एक रूसी लड़ाकू विमान है। MiG-21 क्या है? बाइसन सुपरसोनिक लड़ाकू जेट विमान है। Mirage-2000 फ्रांस का है। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है? डसॉल्ट, जो कि फ्रांस की कंपनी है। राफेल भारत में कहां से शामिल हुआ था? अंबाला से। Sukhoi-30 MKI का निर्माण किन दो देशों ने मिलकर किया है? भारत और रूस ने। अब जानेंगे मॉरिशस के बारे में। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये है मेडागास्कर, ये है अफ्रीका और ये है हमारा प्यारा भारत। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशियाई रुपया है और वर्तमान प्रधानमंत्री है प्रविंद जुगनाथ। अब डिस्कस कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। संस्थापक बालचंद हीराचंद थे और मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 23 से 28 जनवरी 2022 तक BSF का ऑपरेशन सरद हवा चलेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 23 से 28 जनवरी 2022 तक ऑपरेशन सरद हवा नाम से बल का ऑपरेशन चलेगा। इसके तहत सीमा पर तारबंदी के आसपास निगरानी को बढ़ाया जाएगा। मुख्यालय के सभी जवान और अधिकारी इस दौरान सीमा पर रहेंगे और तारबंदी के पास 24 घंटे निगरानी करेंगे। यह अभियान हर साल चलता है और इस दौरान सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल के बारे में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे डिस्कस करेंगे।
वर्तमान महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ किस सीमा की सुरक्षा करती है? भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा करती है। सीमा भवानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की महिला बाइकर टीम का नाम है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। अब डिस्कस कर लेते हैं हाल ही में खबरों में रहा राजस्थान। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? राजस्थान। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की ओर से किस राज्य को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राजस्थान सरकार को। कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में देश में पहले स्थान पर आ गया है? राजस्थान। आगे डिस्कस करेंगे देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि राजस्थान राज्य में है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है। राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? जयपुर को। चलिए आगे देखेंगे। जैसा कि आप लोग मैप में राजस्थान देख सकते हैं, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। अब डिस्कस करेंगे राजस्थान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। राजस्थान राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। निर्वाचन सीटों की अगर बात की जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 200। लोक नृत्य है कालबेलिया। प्रमुख नेशनल पार्क और अभयारण्य रणथंभौर नेशनल पार्क, केबला देव नेशनल पार्क, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। आधिकारिक भाषा हिंदी है। प्रमुख जनजातियां मीणा, सहारिया, भील, बंजारा, कोली और सांसी है। प्रमुख परियोजना है राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर परियोजना। राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं चंबल, माही, सोम और काली सिंध। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सागर झील जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एरो थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल द्वारा हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया गया है, जैसा कि आप लोग पिक में देख सकते हैं। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस मिसाइल के बारे में। एरो वेपन सिस्टम इजराइल की उस रक्षा प्रणाली का हिस्सा है जो दुश्मन की ओर से आती हुई मिसाइल को अंतरिक्ष में ही तबाह कर सकता है। इसका मतलब यह है कि यह सिस्टम वायुमंडल की ओर से आ रही लंबी दूरी की मिसाइल को धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें कि इजराइल ने इस एरो वेपन सिस्टम को इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्री ने अमेरिकी डिफेंस एजेंसी के साथ मिलकर तैयार किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं इजराइल के बारे में। जैसा कि मैप में आप लोग इजराइल देख सकते हैं, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा है इजराइली न्यू सेकल। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। चलिए आगे डिस्कस करेंगे आगामी परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन कहां पर हुआ था? इजराइल में। इजराइल ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास को लॉन्च किया। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया। स्टूडेंट, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन की अध्यक्षता में। आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान सदस्य देशों ने
वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर भारत को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि 2021 की ब्रिक्स की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की थी? भारत ने। ब्रिक्स पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था? 2010 में। ब्रिक की पहली बैठक कब हुई थी? तो 2009 में रूस में की गई थी। आगे डिस्कस करेंगे ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की छठवीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? कृष्णपाल गुर्जर ने। 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है? संघाई चीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा। पिक में आप इनको देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। यूएस ओपन 2021 पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता? डेनिल मेदवेदेव ने। यूएस ओपन 2021 महिला वर्ग में खिताब किसने जीता था? एम्बा राडू कानू ने। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग में खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन 2021 महिला वर्ग का खिताब बारबोरा क्रेजीकोवा ने जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस संगठन के अध्यक्ष ने ₹100 थी निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेबी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड के अध्यक्ष अजय त्यागी ने निवेशक शिक्षा पर एक मोबाइल ऐप ₹100 थी लॉन्च की है। यह ऐप निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार, KYC प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हाल के बाजार के विकास और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र की बुनियादी अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। ₹100 थी मोबाइल ऐप हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। ऐप को आगे चलकर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं सेबी के बारे में। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 31 मार्च 2022 से आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने WEF दावोस एजेंडा 2022 के दौरान P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत द्वारा इस प्रस्ताव को रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लीप के विकास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है। डिस्कस कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और विनी बंसल ने की थी। वर्तमान में CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यूरोपीय संसद की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोबर्टा मेट्सोला को, जिनको आप पिक में देख सकते हैं। यूरोपीय संघ का संसद मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। संसद की स्थापना 7 सितंबर 1952 यूरोप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने इस पुरस्कार को जीत लिया है। अब डिस्कस कर लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा की स्थापना 1904 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। मुख्यालय कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोनाहा की आइस फिश
नामक मछली प्रजाति की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी निम्नलिखित में से किस समुद्र में खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वेडल सागर में। वेडल सागर कहाँ पर है? तो ये है अटलांटिक अंटार्कटिका में जोहान आइसफिश नामक मछली प्रजातियों की एक विशाल प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई है। तो ये था आज का करंट अफेयर। अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टैटिक जीके टूज। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 है। भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माता के नाम से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लीजिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 महिला एकल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, तस्नीम मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नर्सिंग नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इस चुनाव में उन्होंने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे, उन्होंने किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, विधवा पुनर्विवाह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, 1911 में। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो सबसे पहले करंट अफेयर के दो क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और किस देश की नौसेना के साथ प्रशांत महासागर में यूएससी ड्रैगन अभ्यास हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई थी? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।